कोर्ट की हदायत पर नैब इस्लामाबाद ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक दार के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। उन्हें एहतसाब अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं, अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। वो पहले पेश हो जाते तो अच्छा था, और कबल गिरफ्तारी जमानत करा ले तो अच्छा रहेगा, कभी उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पेश होना अच्छा नहीं लगता। जो भी उनका जो लीगल रिकॉर्स है डार साहब के लिए, उसके बारे में तो वो ख़ुद बेहतर समझते हैं किस तरह वो लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज ए मिनिस्टर, ऐसी हमें नौबत ही नहीं लानी चाहिए कि जिससे हमारे गिरफ्तारी के वारंट्स इशू हों। ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन को फर्स्ट चॉइस इज़ टू अवॉइड इट, और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो देन यू शुड हैव अ वेरी गुड लीगल डिफेंस। जब आप इंसाफ के तकाजे ये हैं कि सबको एक आंख से आप देखें, अगर निसार साहब, ये डार साहब ने कुछ किया है और उनको तलब किया गया है डिपार्टमेंट ने, तो मेरा ख्याल में उनको जाना चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए, उनको चाहिए अदालत में पेश होना चाहिए। ये बेलेबल वारंट्स हैं, लीगली अपनी बेल लें और अदालत में पेश हों, और बाकियों को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी बेल लें और अदालतों में पेश हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, चाहे वो इसहाक डार हैं, चाहे कोई और है जिसके ख़िलाफ़ गिला है। ये कहना जी कि ये अदालतें, ये हमारे एक अलमिया ये है कि जब अदालतें आपके हक में फ़ैसला करें तो बहुत अच्छी हैं, जब ना करें तो कभी कैंगरू कोर्ट्स बन जाते हैं, कभी चमक नज़र आनी शुरू हो जाती है, कभी फार्स अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, मैंने जो मीडिया में देखा है वो तो ये कहा गया कि शख्सी ज़मानत दे 10 लाख रुपए का, गिरफ्तारी का वारंट इशू नहीं हुआ है, सिर्फ गारंटी देने का वो वारंट इशू है कि गारंटी दे जब भी हम आपको बुलाएं ताकि आप हाजिर हो जाए। मतलब वो अगर नहीं गया तो अगर होंगे यहाँ मुल्क में तो उनको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। तो ये जरदारी साहब पे सैकड़ों केस चले हैं, वो सब में ही बरी हो गए हैं और पाकिस्तान के सदर भी बन गए हैं और किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो ये सारा ठीक हो जाएगा? ये झूठे केस बने हुए हैं तो इनमें ये बरी हो के सारा कुछ इंशाल्लाह किरदार अदा करें। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक दार को दफा का पूरा हक है, उन्हें अदालत में पेश होकर अपने आप पर लगे इल्ज़ामात को गलत साबित करना होगा। कैमरामैन उस्मान अब्बासी के साथ इकरा खालिद, TNS इस्लामाबाद।